सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली दो स्टेटमेंट्स हैं, दो साइंटिस्ट की स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इन्होंने ये बताया कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वॉयर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ऐसा कहता दुनिया में कोई प्रोसेस ही नहीं बना कि जो किसी रिजर्वॉयर में से हीट उठाए और सारी की सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करता जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हीट उठाता है उसका कुछ पार्ट तो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है पर सारा का सारा वर्क डन कभी हो नहीं पाएगा। और दूसरी डेफिनेशन जो है क्लॉजियस स्टेटमेंट है जो ये कहती है नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू द हॉटर ऑब्जेक्ट। ऐसा दुनिया में कोई प्रोसेस बना ही नहीं जिसमें अपने आप हीट कोल्ड से हॉट में चली जाए। हॉट से कोल्ड तो नेचर का लॉ है, कोल्ड से हॉट नहीं जा सकती, राइट? दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं? हीट की, ये तो डायरेक्शन की बात कर रहा है, हीट की डायरेक्शन। और ये क्या बात कर रहा है कि सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सेकंड लॉ की हैं। और वो कह रहा है कि इन द एंड ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एंड में हम आज डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीटली इक्विवेलेंट है, दोनों का मतलब एक ही होगा, एंड में डिस्कस करते हैं। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है।